हाय एवरीवन, नमस्ते। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड ब्लॉग पे। तो आज हम आए हैं अपने दादी के गांव में आए हैं। तो आज हम लोग काम से आए हैं, यहाँ पर सिंचाई हो रही है गन्ने की, तो बट बारिश होने लगी इसलिए हम लोग धान ये सब देख सकते हैं। ये मेरा खेत है, धान है ये, और ये भी सारा ये मिर्चा है और वो खेत है, और वहाँ आम के पेड़ हैं, और क्या कहते हैं, मेरी दोनों दादी काम कर रही हैं, देखिए सींच रही हैं, और ये मम्मी पापा जी खड़े हैं। और यार बारिश भी होने लगी फिलहाल, ये देख सकते हैं आप लोग, बारिश हो रही है, पाइप लगाओ, सिंचाई होने जा रही है, बारिश भी हो रही है, साथ हम लोग भीग भी जाए इसी में, फिर घर भी नहीं जाने को पाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हाँ, ये आम का पेड़ है, और ये हम लोग का टुब्बुल है। टुब्बुल मतलब आप लोग जानते होंगे, मुझे खुद ही नहीं पता, पर आप लोग जानते होंगे ये टुब्बुल है। तो और ये भी खेत है हम लोग का, ये कटहल का पेड़ है। और यार बारिश हो रही है, ढेर सारे पेड़ हैं, और मिर्चा का भी पेड़ है। मुझे नॉलेज नहीं है खेतों के बारे में, बट मम्मी बताया करती हैं, ये है वो, तो इतना नॉलेज है कि हम आप लोग को भी बता सकते हैं। यार बारिश हो रहा, फ़ोन भी भीग जाएगा अभी। तो ये पूरा खेत है, और पता है मेरे दादाजी हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला था मुझे अपने ही खेत में गाड़ना। तो दिखाएं अभी जहाँ उनकी वो है समाधि। यार पानी गिर रहा है ना, इसीलिए वो हो रहा है, धुंधला हो जा रहा है। और ये यहाँ पर मेरे दादाजी की वो है, हाँ ये जो पाइप जहाँ गई है, ये जितना ऊंचा दिख रहा है वहीं पर मेरे पापा जी की, नाना जी की वहीं पर समाधि गड़ी हुई है। उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने बोला था मुझे गांव में ही करेंगे, तो उनके ठीक है, बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, पर उनको आँख से दिखता नहीं था, फिर भी मुझे डांस के लिए बहुत सपोर्ट करते थे। काश ऐसे दादू सबको मिले। चलो एवरीवन, ठीक है, नमस्ते। ऐसे मेरे ब्लॉग चैनल पे बने रही, और आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार सब कुछ दीजिए मुझे। और फिलहाल बारिश होने लगी तो मैं और देर तक ब्लॉग बनाती, तो धन्यवाद।